हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे चैनल ज्योति की ख्वाहिश में आपका स्वागत है। और आज आए हैं हम एडवेंचर आइलैंड, जो कि है रोहिणी में। और अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्री करनी है। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद फिर आपको अपने बैग वगैरह चेक कराने पड़ेंगे। यहाँ पे बैग वगैरह चेक कर लिए साइड में। और यहीं अंदर एंट्री करने के बाद साइड में ये टिकट काउंटर है। यहाँ पे हिर्ट्वी के पापा टिकट लेने गए थे, क्योंकि मैंने हिर्ट्वी को पकड़ा हुआ था और हमने ले ली है टिकट। सैटरडे संडे में यहाँ टिकट का चार्ज रहता है 500 और मंडे टू फ्राइडे 400। और हमने कर ली है अंदर एंट्री। और ये है एरोप्लेन रेस्टोरेंट और यहाँ से इसकी एंट्री है। साइड में आपके वेलकम के लिए 200 हॉर्स हैं, जो कि आपका वेलकम कर रहे हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ से एंट्री कर ली है। सबसे पहले सागर ने एंट्री की थी। गाइस, हम जा रहे हैं सबसे पहले वाटर एक्टिविटी करने, उसके बाद हम झूले की राइड लेंगे, क्योंकि सबसे पहले वाटर एक्टिविटीज करके फ्री हो जाएंगे ना फिर आराम से अपना, क्योंकि अभी झूलों पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और मतलब वाटर वाले भी इतना नहीं है। तो हम सबसे पहले वाटर राइड लेंगे। तो गाइस, हमने कर लिया है चेक। और गाइस, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे पानी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, पर बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हिर्ट्वी ने तो बहुत इन्जॉय किया, हिर्ट्वी के पापा ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए, कोई भी नहीं है यहाँ पे, इतने एक दो ही हैं बस। हम सुबह 11 बजे पहुँच गए थे, तो सबसे पहले हमने वाटर एक्टिविटी ही की थी, क्योंकि बहुत खाली था और आराम से हमने वाटर एक्टिविटी कर ली थी। इसके बाद हम स्प्लैश डंक वाली राइड करी। हमने इसमें बोट में बैठते हैं और ये राउंड लगा के इसके, सबसे पहले मैं और काजल और हिर्ट्वी, हम तीनों गए थे। हिर्ट्वी आगे, मैं पीछे, फिर मेरे पीछे काजल बैठी थी। बहुत डर लग रहा था, हिर्ट्वी तो रोने लग गई थी एकदम से। फिर उसके बाद हिर्ट्वी के पापा, मैं और सागर, हम तीनों गए थे। मैंने 2 राइड ली थी इसकी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। राइड लेने के बाद चले गए थे हम पूल में। ये पूल ज़्यादा गहरा नहीं था, ये 2 फुट गहरा था, ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए हिर्ट्वी आराम से इंजॉय कर पा रही थी और सबने इसमें बहुत इंजॉय किया। हम हिर्ट्वी फर्स्ट टाइम इस तरह पूल में नहा रही थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और हमने भी बहुत इंजॉय किया।
पृथ्वी ले दीप देखो पृथ्वी एक बार और गाइज इसके बाद चले गए थे हम, ये रेन डांस वाला सेक्शन था, यहाँ पे रेन डांस हो रहा था तो हमने यहाँ पे चले गए थे। हमने यहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे गाने चल रहे थे, बारिश जैसा मौसम हो रहा था, पानी आ रहा था। उसके बाद हृतवी ने यहाँ पे ये कार चलाई थी, हृतवी अकेली बैठी थी अपने पार्टनर के साथ और उसने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। फर्स्ट टाइम उसने इस तरह से राइड की थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस ये है यहाँ की कैंटीन, यहाँ पे कैंटीन दो तीन है पर हम यहाँ पे कुछ खा रहे हैं। अभी हमने वाटर राइड वगैरह ले ली, नहा लिए और बस अब हम कुछ खाएंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे मंगाए थे छोले भटूरे और चाउमीन, फ्राइड राइस, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक। तो बस इसके पापा वेट कर रहे थे अपना ऑर्डर का कि हमारे होगा फिर वो लेके आएंगे। और ये हमारा टेबल है और हिस्ट्री के पापा और सागर गया है अभी खाना लेने के लिए। गाइस आ चुका है हमारा खाना और ये देखिए इसके पापा हृतवी के लिए सैंडविच भी लेके आ गए थे कि वो दोनों में से जिस जो चीज़ खाना चाहे वो खा लेगी। बट गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, हमें बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए हमने फटाफट अपना खाना फिनिश किया। इसके बाद चले गए थे हम झूला झूलने के लिए। गाइस 15-20 मिनट लाइन में लग के वेट करने के बाद हमारा फाइनली नंबर आ गया था और हमने फिर राइड ली झूले की और हम तीनों ही बैठ। उसके बाद हम दूसरे वाले झूले पे गए थे, उसकी भी काफ़ी लंबी लाइन थी, उसमें मैं और काजल ही गए थे बस, क्योंकि हृतवी के पापा और सागर गए थे दूसरे झूले पे झूलने के लिए। फाइनली हमारा नंबर आ गया, हम बस में बैठ गए, हमने फुल इंजॉय किया। देखिए गाइस बाद में कितनी भीड़ हो चुकी थी पूल में, संडे का दिन था ना इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। बस अचानक से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था इतने क्राउड में, तो फिर हम घर जाने लगे। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले तो बाहर छोटी छोटी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी। ये देखिए पर्स, बैग, क्लच, सनग्लासेस और जूती, चप्पल और ये बच्चों के कुछ टॉयज वगैरह। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल ज्योति की ख्वाहिश को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए मज़ेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।